नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। गर्मियों के मौसम में बाजारों में आसानी से दिख जाने वाला जामुन यूं ही नहीं अपनी ओर आकर्षित करता है, यह खाने में वाकई स्वादिष्ट होता है। सिर्फ खाने में ही नहीं, हमारे रोगों को भी ठीक करने की 100% क्षमता रखता है। इसमें भरपूर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है। आमतौर पर सभी लोग जामुन के स्वाद से वाकिफ होंगे, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जामुन खाने के क्या फायदे हैं। तो जाना, कुछ दिनों तक जामुन का सेवन करने से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होती है। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मुख्य स्रोत होते हैं। इसमें खनिजों की अधिकता होती है, अन्य फलों की तुलना में यह कम कैलोरी प्रदान करता है। एक मध्यम आकार का जामुन 3 से 4 कैलोरी देता है। इस फल के बीज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम की अधिकता होती है। यह आयरन का बड़ा स्रोत है। इसमें विटामिन बी, कैरोटीन, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर होते हैं। जामुन खाने से शुगर के रोगी को फायदा होता है। यह रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। डायबिटीज के रोगी को रोजाना 100 ग्राम जामुन का सेवन करना चाहिए। वही जामुन की गुठली ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काम आती है। जामुन खाने से आप लू लगने से बच सकते हैं। जामुन में पाया जाने वाला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लू लगने से बचाता है। जामुन में मौजूद आयरन एनीमिया रोग से निजात दिलाने में मददगार होता है। शरीर में खून का स्तर बढ़ाने के लिए भी इसका सेवन किया जा सकता है। जामुन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जी हाँ, जामुन के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आजकल तो जैसे कब्ज और एसिडिटी की समस्या आम हो गई है। हर दूसरा इंसान एसिडिटी के समस्या से ग्रस्त है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका प्राकृतिक इलाज है जामुन। जी हाँ, जामुन खाने से गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होती है। यह पेट संबंधी रोगों को भी दूर रख करता है। यह लीवर के लिए काफ़ी लाभदायक है। लीवर के अंदर किसी प्रकार की समस्या है तो सुबह शाम जामुन का रस पीजिए, जिससे लीवर की समस्या ठीक हो जाए। पथरी की भी समस्या इन दिनों आम तौर पर सुनने को मिल रही है। पथरी की समस्या से राहत पाने के लिए दवाइयों की जगह पर आप जामुन खाएं। आप चाहे तो जामुन के बीज को पीसकर पानी या दही के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह बीजों का पाउडर लेने से पथरी की समस्या दूर होगी। 50 वर्ष की ऊपर की महिलाओं में ज़्यादातर देखा गया है कि वो गठियावाद जैसी समस्याओं से परेशान रहती हैं। उनके लिए जामुन के फल के साथ साथ जामुन के पेड़ की छाल भी फायदेमंद होगा। गठियावाद या अर्थराइटिस के इलाज में जामुन बहुत उपयोगी होता है। इसके पेड़ की छाल को बारीक पीस कर इसकी 2 चम्मच मात्रा को आधा कप पानी में मिला लिया जाए। के घोल को दर्द वाले हिस्सों और घुटनों पर दिन में 3 से 4 बार लगाने से गठिया के दर्द से छुटकारा मिलने लगता है। अगर आप अपने त्वचा को लेकर काफ़ी सजग हैं, आपको अपनी त्वचा से प्यार है, तो जामुन आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा। जामुन खाने से त्वचा स्वस्थ और खूबसूरत बनती है। स्किन हाइड्रेशन के लिए जामुन में 85% पानी होता है, इसलिए यह त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए लाभकारी होता है। जामुन खाने से त्वचा रूखी और बेजान नहीं होती है, स्वस्थ और खूबसूरत दिखाई देती है। जामुन के बीजों का प्रयोग चेहरे के पिंपल्स को हटाने के लिए भी किया जाता है। बीजों को पीसकर दूध में मिलाकर पेस्ट बनाकर सोने से पहले चेहरे पर लगाएं। ऐसा कई दिनों तक करने से चेहरा साफ होगा और चेहरे के दाग धब्बे भी दूर होंगे। अगर आप अपनी आवाज़ को और भी बेहतर, सुरीली और मीठा बनाना चाहते हैं तो जामुन खाइए। आवाज़ को साफ और सुरीला बनाने में जामुन मददगार होता है। जामुन का चूर्ण रोज चाटने से आवाज़ साफ और सुरीली बनती है। जामुन का सिरका पीने से खांसी तुरंत ठीक हो जाता है और कफ की समस्या से भी राहत मिल जाती है। खांसी के अलावा गला खराब होने पर भी जामुन का सिरका पिया जाए तो गला एकदम सही हो जाता है। उल्टी आने पर आप जामुन के सिरके का सेवन करें। जामुन का सिरका पीने से मन एकदम सही हो जाएगा और उल्टी की समस्या से राहत मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, सभी चीज़ों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से उसके नुकसान होते हैं, इसलिए पका हुआ जामुन भी ज़्यादा खाने से बचें। जामुन का पका हुआ फल अधिक खाने से पेट और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह देर से पचता है, कफ बढ़ाता है तथा फेफड़ों के विकार का कारण बनता है। इसको अधिक खाने से बुखार भी आने लगता है। इसमें नमक मिलाकर खाना चाहिए।
ऊपर दी गई जानकारियां इंटरनेट द्वारा ली गई हैं। बिहारी न्यूज़ इन जानकारियों की पुष्टि नहीं करता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।